हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे शारजा के अंदर जितनी पब्लिक पार्क्स हैं उसका जो एंट्री कार्ड होता है वो एंट्री कार्ड किस तरह से इश्यू करती है शारजा म्यूनसिपालिटी। तो इस वेबसाइट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली वो वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। इस वेबसाइट को ऑन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एक टैब लिखा होगा स्मार्ट सर्विसेज, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे, कुछ स्टेप्स नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा पार्क्स एंड रिक्रिएशनल एरियाज, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक और टैब आ जाएगा और स्क्रीन आ जाएगी, उस पर लिखा होगा एंटर द सर्विस, तो उस पर आप क्लिक करना। नेक्स्ट स्क्रीन में आपसे पूछेगा कुछ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन, जिस तरह से आपका नाम, सिमेंट आईडी का नंबर, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी, नेम, ईमेल, और ऊपर आप रिक्वेस्ट टाइप के अंदर अगर आपका न्यू है तो आप न्यू सेलेक्ट करना। अगर रिक्वेस्ट टाइप के अंदर अगर आप रिन्यू करवाना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे रिन्यू ऑप्शन सेलेक्ट करना। उसके बाद नीचे टेनेंसी कॉन्टैक्ट है, टेनेंसी कॉन्टैक्ट का आपको नंबर देना है, जो कि जब आप घर वगैरह खरीद करते हैं तो आपके पास वो टेनेंसी कॉन्टैक्ट होता है, तो वो टेनेंसी कॉन्टैक्ट आपको उसका नंबर जो है वो आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे कार्ड की जो कैटेगरी है वो आपको रेजिडेंसी या बैचलर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछेगा कि कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको अटैच करनी है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आप अटैच कर सकती हैं अगर आपके पास है, अदरवाइज आप जो आपका लीज या टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है वो अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जो एप्लीकेशन आईडी है, जो आपका एमिरेट्स आईडी है, वो आप अटैच कर सकते हैं। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यहाँ से आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका ये सबमिट हो जाएगा शारजा म्यूनसिपालिटी को। उसके बाद एक या दो दिन के अंदर आपको ईमेल आती है, तो जैसे आपको ईमेल आएगी तो उस ईमेल के अंदर आपको एक लिंक दिया जाएगा। आगे मैं स्क्रीन के अंदर अभी ऑप्शन आ रहा है क्लिक टू पे, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आप जो है ना उसकी 15 दरम जो 15 AED है वो यहाँ से आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कार्ड सेलेक्ट करना, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो दोनों में से कोई एक चल जाएगा, तो आप वहाँ पे सेलेक्ट करना, यहाँ पे कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सेलेक्ट करना और उसके बाद पे पे क्लिक करना। तो जैसे आप पे पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक OTP आएगी, आपके मोबाइल नंबर पर आएगी, तो OTP डालेंगे तो आपके पास प्रोसेस हो जाएगी। जैसे पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद आपको आपकी ईमेल पे एक और लिंक आएगी और उस लिंक पे आप क्लिक करके अपना जो स्मार्ट पार्क का जो एंट्री कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।